bird on a tree. Hooray! Hip hip! Hooray! I'm just sitting here. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले. कल हम रात को 9 बजे पहुंच गए थे ले में, और अब सुबह के 9 बज चुके हैं. और अमित भाई और हमारे राज भाई, यशराज, जोगिंदर, ये सब नाम है उनके, कंफ्यूज मत होना. तो वो गए हैं अपनी बाइक में मेंटेनेंस करने में, कुछ काम है. और आज की जर्नी हमारी शुरू होती है, हम जा रहे हैं अभी नुब्रा वैली का, जो उससे भी लास्ट जो गांव है त्याशकी गांव है आई थिंक, वहाँ पे आज हमारा रुकने का फुल प्लान है. और वहाँ पे होम स्टे में रुकेंगे, और हमने परमिट बनवा लिए हैं, और 3 दिन का परमिट हमने लिया है, आज कल और परसों का, जिसमें नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, तुरतुक तीन हैं, जबकि चुसुल का भी, हनले का ये दो अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी. और सो TSO मोरेरी लेक के लिए फिर वापस आपको ले आके फिर वापस जाना पड़ेगा, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा. बाकी जितना हो जाएगा उतना काफ़ी है, क्योंकि जंस्कार हमने काफ़ी 3 दिन में जंस्कार हमने कंप्लीट किया है. उसके बाद 3 दिन में हम अपना ले भी कर लेंगे, पूरा लद्दाख कंप्लीट कर लेंगे. तो ये अभी तक का हमारा प्लान है. दोनों भाई आ जाएँ, फिर हम नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद पैकिंग करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे सीधे. ऑलमोस्ट हम रेडी हैं. ये हमारी लगेज पैक हो चुका है, और ये होटल है जिग जिग हॉलीडे. काफ़ी अच्छे रूम्स हैं, फैसिलिटीज़ पूरी है, साथ में ही रेस्टोरेंट, अंदर ही रेस्टोरेंट है, और हरा भरा है, बहुत ही शानदार है. पार्किंग है, ये सारी इनकी अपनी पार्किंग है. तो अब हम निकल रहे हैं सीधा अपना त्याशकी, जो विलेज है, लास्ट विलेज है, उसके बाद POK शुरू हो जाता है. नुब्रा वैली होते हुए जाएंगे, अंदर होते हुए जाएंगे, और खरदुंगला टॉप पर हम जाएंगे, वहाँ पे हम फोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे. तो आज पूरी वाट लगने वाली है, काफ़ी लंबा टूर हो जाएगा, 201 किलोमीटर का आज का हमारी राइड है. और 5 आवर तो दिखा रहा है, लेकिन हमें कम से कम 7-8 घंटे लगने वाले हैं. तो आप एंजॉय करो हमारे व्लॉग को, और बने रहो, और मिलते हैं अब बाइक पे. अब हम निकल पड़े हैं जिग जिग होटल से, और पूरे 12 बज चुके हैं, जबकि 12 बजे हमें नुब्रा वैली के लिए निकल लेना था. अभी पेट्रोल भी डलवाना है, जिसकी वजह से हमें और लेट होने वाले हैं. और ये जिग जिग होटल था, काफ़ी बढ़िया था, रहना खाना पीना बहुत ही बढ़िया था. अगर आप यहाँ आना चाहें तो मैंने इनसे बात कर ली है, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे नाम से. मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सारा एड्रेस वगैरह. और ये है ले पैलेस सामने, रात को हमें दिखाई नहीं दिया था, लेकिन अब दिख रहा है. ये ले पैलेस है सामने, इसको मैं 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ, ले पैलेस को 2014 में और 2018 में 2 बार. और ये देखिए साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट का भी काफ़ी यहाँ पे क्रेज हो गया है, लोग मनाली से ले साइकिल से करते हैं. और ये ले की मार्केट शुरू हो गई है. सबसे पहले हमने पेट्रोल पंप खोजना यार, परमिट रख लिया मैंने, अभी परमिट दिखाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे फिर. का बहुत टाइम लगने वाला यार आज. हमने यहाँ पे पेट्रोल फिल करवा लिया है, और ये जोगिंदर भाई अपने कैन में फिल करवा रहे हैं, और मैंने भी एक कैन एक्स्ट्रा रखी हुई है, बाकी टैंक फुल है. चलो ठीक है भाई. ओके. आपका नाम क्या है? वैभव. वैभव आपका? गौरव. गौरव वैभव भाई पश्चिम बिहार से हैं, और पीतमपुरा से आप? गौरव भाई पश्चिम बिहार से. चलो देखते हैं नुब्रा वैली में मिलते. तो चल चल. तो ये हमारा रूट आ गया है नुब्रा वैली के लिए. डिस्किट है 118 किलोमीटर. तो हम निकल पड़े हैं, सबसे पहले हम जाएंगे खरदुंगला. ले सिटी का नज़ारा कितना खूबसूरत ले है, और ये मोनेस्ट्री है कोई ऊपर, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ऊपर से पूरा ले सिटी.
ये पूरे प्लेन्स में है, ये वैली में बनी हुई है पूरी। और 2018 में भी मैं आ चुका हूँ, 2014 में भी मैं आ चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट है, बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। वो देखो शांति स्तूप, वहाँ पे भी मैं जाके आ चुका हूँ। तो गाइस आप प्लीज़ ये सीरीज़ को देखना, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। और लाइक ज़रूर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन भाई का हौसला बढ़ जाएगा। भाई का हौसला बढ़ाएं और खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। थैंक यू। आपका ये पर्सनल है? हाँ। आरसी दिखाओ और आपका आईडी प्रूफ। रेंटेड है सर ये? हैं? रेंटेड बाइक है। अपना है भाई। पर्सनल है। और क्या, दिल्ली से लेके आया? आपका वो आरसी होगा? सबका सबका अपना है। आरसी और एक आईडी प्रूफ। सब कुछ है यार हमारे पास, सब कुछ है। अपनी चीज की, अपनी चीज के लिए तो सब चीज होता है। परमिट भी देखना है? परमिट नहीं, नहीं सर, परमिट आएगी वो पुलिस वाले की करेगा। कौन करेगा? पुलिस वाला। और मिंग बोखरे मिंग का होगा, मिंग वाला जो ओनर नेम कहाँ पे? ओनर नेम कहाँ? प्रदीप लंबा। बाइक की नंबर वाला? अरे ये बाइक आरसी। हाँ आरसी है ना, 6242-58। FIR दिखा दे, FIR। उसका बैग चोरी हो गया, उसका FIR है ये, उसमें अपना पुरने में जजकार में उसका सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, सारा उसी में था। यार सबका अपना है यार, हम सब लेके आए हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ कोई नहीं है, हमारा अपना है सबका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये बाइक देखते हैं कि रेंटेड है या तुम्हारी अपनी है, ये चीज़ आरसी चेक करते हैं यहाँ पे। तो अपनी आरसी अपने साथ रखें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। दुंगला यहाँ से 34 है और साउथ पोलो 20। साउथ पोलो में हमारा जो ये परमिट चेक होगा और बाइक का रजिस्ट्रेशन, सारा नाम पता सब रजिस्टर करना पड़ेगा वहाँ पे। मैं लेह से 10 किलोमीटर आ चुका हूँ और एक के ये लेह का व्यू पॉइंट है, ये देखो सबसे टॉप पे हम और सामने लेह नज़र आ रहा पूरा। मैं दिखा देता हूँ इसका चारों तरफ का व्यू, ये देखिए। मोस्टली यहाँ पे जितने भी बाइकर्स या कोई भी टूरिस्ट आता तो यहाँ फोटोग्राफी जरूर करता है। तो अभी हम चल रहे हैं साउथ पोलो, वहाँ पे हमारी बाइक परमिट वगैरह चेक होगा, फिर हम आगे निकलेंगे खरदुंगला के लिए, चलते हैं। तो ये गाइस लेह का व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने अभी, मैंने फ़ोटोग्राफी करी, बाकी अपने भाई लोग आगे निकल गए हैं तो हम भी निकलते हैं। यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि परमिट मेरे पास है, अगर दोनों आगे चले भी गए तो परमिट तो मेरे पास ही है, तो मुझे जाना पड़ेगा उनसे पहले। हम साउथ पोलो में पहुंच गए हैं और यहाँ पे परमिट चेक होगा, तो परमिट चेक करा के फिर हम निकलेंगे आगे। यहाँ पे हमने परमिट दिखाया और उन्होंने एक परमिट यहाँ जमा कर लिया, हमारी बाइकों के नंबर नोट कर लिए तीनों के। ये था साउथ पोलो। अब आगे नॉर्थ पोलो में भी एक परमिट को जमा कर देंगे। और खरदुंगला यहाँ से 14 किलोमीटर है, तो हाफ एन आवर में हम खरदुंगला पहुँच जाएंगे। एक बज चुका है अभी, जो एक बज गया है तो 1:30 बजे तक हम खरदुंगला होंगे।
और 2 बजे तक वहाँ से निकल जाएंगे खरदुंगला से। खरदुंगला का तो आपको सबके पता ही होगा, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जो मोर देन 70,800 फीट की हाइट पे है सी लेवल से। अभी तक हमने शिंकुला 16,580 और शेंगला 16,590, ये दो हमने कर चुके हैं पिछली राइड पे, कल वाली राइड पे। तो कल का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो ब्लॉग जरूर देख लेना, बहुत ही मस्त ब्लॉग है। बहुत ही ख़तरनाक ऑफ रोडिंग थी कल, और 2-3 दिन से तो पूरी हमने जंस्कार 3 दिन में जंस्कार कवर करा हमने। यार बार बार गोप्रो हैंग हो रहा है। ये व्यू देखो जिसके मैंने नीचे से कैप्चर किया था, ये हम काफ़ी ऊपर आ गए। बीच बीच में जो है छोटे पैच ख़राब मिल रहे हैं, लेकिन बाकी रूट बहुत अच्छा है। 2018 में आया था तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस बार तो बहुत अच्छा है बना हुआ है। और यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस भारी हो गया। और ये देखिए ऊंची चोटी पे पहुँचना है, उस टाइम हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। खरदुंगला में बर्फ़ पूरी बर्फ़ मिलेगी आपको, जैसे आप ऊपर चोटी देख रहे हैं उस इतनी हाइट पे हमें पहुँचेंगे, 17,800 फीट के करीब। और यहाँ पे ग्लेशियर शुरू हो रहे हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर, ये सामने ये पूरे ऊपर ग्लेशियर ही ग्लेशियर भरे हुए हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिलती है, जिसकी वजह से वो ये है कि सड़क तो ख़राब होएगी होएगी। और ये वाटर क्रॉसिंग पहली बार मिली है यहाँ पे खरदुंगला में, खरदुंगला में वाटर क्रॉसिंग। पानी तो आएगा ही आएगा यार, लैंडस्लाइड भी होती है, पानी भी आता है, और बर्फ़ जब जम जाती है तो जब हटती है तो सड़कें भी ख़राब हो जाती हैं। आज हम 6 बजे उठ गए थे मॉर्निंग में, और 8 बजे अमित भाई और अपना जोगिंदर भाई चले गए थे बाइक का मैं कुछ काम कराने। मैं अपना कुछ काम करता रहा, अपना नहाया धोया फटाफट, नाश्ता पानी करके 11 बजे तक हम रेडी हो गए थे। वही सामान बांधते बांधते भाई पेमेंट करते 12 बज गए। तो जिग जिग होटल का मैंने ले लिया कांटेक्ट, और मैंने बता दिया कोई हमारा गेस्ट आएगा तो प्लीज़ यार डिस्काउंट कर देना। तो उन्होंने बोला है हाँ हम डिस्काउंट कर देंगे, तो आप अगर आए तो रह सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ का लिंक दे दूँगा आपको। ये देखिए पूरे बर्फ़ के पहाड़, और ये वाटर क्रॉसिंग, 2-3 वाटर क्रॉसिंग आ चुकी हैं अभी तक, लेकिन छोटी छोटी हैं, जो हमने झेली हैं उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। लगता है हम पहुँच गए हैं खरदुंगला, और हम पहुँच गए हैं खरदुंगला। खरदुंगला ओए ओए कितना रश है यार, मेला लगा हुआ है यहाँ तो खरदुंगला में। वाह 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 क्या बात है यार, यहाँ तो मेला, फ़ोटो खिंचाने के लिए मेला लगा हुआ है। हम हैं अभी खरदुंगला में, खरदुंगला पहुँच गए हैं। सब में क्या हुआ है, डेढ़ बज गए, तो 12:30 बजे हम ले से चले थे, 1:30 बजे पहुंच गए 1 घंटे के अंदर। वाह क्या स्पीड से हम पहुँचे हैं, और 1 घंटे में ले से खरदुंगला में पहुंच गए। और ये अमित भाई फर्स्ट टाइम आए हैं ना आप, फर्स्ट टाइम, और आप भी जोगिंदर भाई भी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, मस्त सिंपल लग रहा है मतलब नहीं तो पहले बर्फ़ होएगी ना तब ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो हाँ तो जो खरदुंगला में ले से लोग सिर्फ यहाँ पे बर्फ़ देखने आते हैं और यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं, बहुत कम लोग आगे जाते हैं। हम जा रहे हैं POK के पास त्याक्षी, तो हम पहुँच जाएंगे 7-8 बजे तक हमें पूरी उम्मीद है। तो मैं व्यू दिखा देता हूँ एक बार यहाँ का, ये देखिए ये चारों तरफ व्यू, ये बाइकर्स खड़े हैं सारे, ये सारे टूरिस्ट बसें हैं, ये आर्मी है, यहाँ पे आर्मी है, कई
किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो ऊपर मेडिकल कोर भी है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक कैंटीन भी है यहाँ पे, कैफ़े भी है। तो ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं पीछे, तो अब हम चलेंगे। काफ़ी देर हो गई हमें, 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे एंजॉय करते हुए। ये देख लो कितने ऊपर ऊपर लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए ऊपर ऊपर गए हुए हैं। ये देखो बर्फ़ देख लो, एक बार बर्फ़ यहाँ पे बर्फ़ है सिर्फ।